सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज का प्रेरणादायक प्रसंग मार्कंडेय पुराण से लिया गया है और यह उन सभी भाई बहन मित्रों को समर्पित है जो हर समय यह सोचकर दुखी रहते हैं कि भगवान के होते हुए भी उनके अपने उनसे क्यों बिछुड़ गए, आखिरकार भगवान ने उन सभी की सहायता क्यों नहीं। एक समय की बात है कि ऋषि जैमिनी जी को इस बात का बहुत क्षोभ हुआ कि आखिर क्यों सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के 5 अबोध बालकों की निर्मम हत्या से उन्हें बचा ना पाए, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में 5 पांडवों को खरोंच तक ना आने दी। आखिरकार वे घट घट वासी भगवान उस समय प्रकट क्यों ना हो सके जिस समय उन अबोध बालकों की हत्याएं हो रही। इतने भगवान के महान भक्तों के घर में उनके बच्चों का ऐसा हर्ष क्यों हुआ? इस प्रश्न को उन्होंने ऋषि मार्कंडेय जी के पास रखा। महर्षि मार्कंडेय जी ने उनके प्रश्न को सुनकर के कहा कि हे ऋषि जैमिनी जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर द्रोण पक्षी के महात्मा पुत्रों के पास है, अतः आप उनके पास जाएं व उनके पास जाकर के अपना प्रश्न रखें। अतः ऋषि जैमिनी जी द्रोण पक्षी के उन 4 महात्मा पुत्रों के पास पहुंच गए। वो उनके पास पहुंचकर उन्होंने उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न रखा। पक्षी महात्मा बोले, हे ऋषिराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र वन में आखेट के लिए जा रहे थे कि अचानक उन्हें स्त्रियों के रुदन की आवाज सुनाई दी। वे हमें कोई बचा लो, हमारे प्राणों की रक्षा करो, इस प्रकार से चिल्ला रही थी। ऐसा रुदन सुनकर के राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ऐसा कौन दुष्ट आत्मा है जो हमारे राज्य में हमारे होते हुए स्त्रियों पर अत्याचार कर रहा है। तब वहां पर उपस्थित विघ्न राज ने सोचा कि राजा हरिश्चंद्र जिन्हें स्त्री समझ रहे हैं वे तो गुप्त विद्याएं हैं जिन्हें विश्वामित्र जी सिद्ध करना चाहते हैं, एवं उनके भय से ये विद्याएं स्त्री का रूप धारण कर अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और मेरा तो काम ही है दूसरे के कार्य में विघ्न डालना। क्यों ना मैं राजा हरिश्चंद्र के तन में प्रवेश कर जाऊं। ऐसा सोचकर विघ्नराज राजा हरिश्चंद्र के तन में प्रवेश कर गए व मन वाणी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उनसे वशीभूत होकर राजा हरिश्चंद्र ने भी महर्षि विश्वामित्र जी को ललकार दिया और कहा कि वह कौन अभागा है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांधना चाहता है। ऐसे वचन सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी अत्यंत कुपित हो गए। उनके कुपित होते ही वे सभी विद्याएं लुप्त हो गई जिन्हें वे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे। अपनी इस असफलता पर विश्वामित्र जी को बहुत रोष आया। वह राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट होकर उन्हें दंड देने की सोची। उनके प्रकट होते ही राजा हरिश्चंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र जी से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि विश्वामित्र जी कहां मानने वाले थे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जी का राजपाट ले लिया और राजा हरिश्चंद्र को रानी व पुत्र समेत वन गमन के आदेश दे दिए। जब राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी अपने बालक के साथ वन गमन कर रहे थे तो आकाश में विचरण कर रहे अति दयालु 5 विश्वेदेव आपस में कहने लगे, यह तो विश्वामित्र बहुत बड़ा पापी है, इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ राजन को राज्य से नीचे उतार दिया। जो राजा स्त्री पुरुष बच्चे सभी के लिए एक सा न्याय रखते हैं, सभी के लिए दया का भाव रखते हैं, उनके साथ ही इतनी निर्दयता कर दी। यह भी नहीं देखा कि उनकी कोमल पत्नी व छोटा बच्चा भी है, उन्हें जंगल का वास दे दिया। यह सुनकर विश्वामित्र ऋषि को अत्यंत रोष हुआ। उन्होंने कहा कि हे विश्वेदेव, तुम कारण जाने बिना ही राजा हरिश्चंद्र का साथ दे रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सभी अपने इस भोग को भोगने के बाद मनुष्य हो जाओ। श्राप मिलते ही 5 विश्वेदेव विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े व उनसे अनुनय विनय करते हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। वह कहने लगे कि हे ऋषिवर, हमने जो भी राजा हरिश्चंद्र के विषय में कहा है वह दया के वशीभूत होकर कहा है। इस संसार में उनसे बड़ा धर्मात्मा राजा कोई नहीं है। जब हमने रानी, उनके पुत्र व राजा की ऐसी दुर्गति देखी तो हमसे रहा नहीं गया और हमने अज्ञानवश यह बात कह दी। अतः आप हमें क्षमा कीजिए,
हम देवता हैं और मनुष्य योनि के दुखों को नहीं भोगना चाहते। हम जन्म मरण की पीड़ा से सदैव मुक्त रहना चाहते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जो श्राप मैं दे चुका हूँ वह मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूँ कि तुम पांचों जन्म लेने के पश्चात काम क्रोध गृहस्थी विवाह बंधन इत्यादि से मुक्त रहोगे और अतिशीघ्र मानव देह को छोड़कर देवत्व को धारण करोगे। ऐसा सुनते ही विश्वदेव ने उन्हें प्रणाम किया, वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर समय आने पर द्रौपदी के पांचों पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। ऐसी कथा सुनाने के बाद पक्षी महात्मा ने ऋषि जैमिनी से कहा कि हे ऋषिवर, जब द्रौपदी के ये पांच पुत्र पैदा हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण इन्हें देखकर समझ गए थे कि ये वही देवता हैं जो ऋषि विश्वामित्र के श्राप के कारण मनुष्य योनि में आए हैं, अतः इनकी मुक्ति आवश्यक है, अन्यथा सृष्टि का संचालन असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि देवता परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह विश्वामित्र जी के श्राप की गरिमा भी रहनी चाहिए, यह सोच करके भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी पुत्रों को बचाने नहीं आए। इसलिए जब रात्रि के समय वे सोए हुए थे तब कौरवों ने अपने मित्रों के साथ मिलकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी पुत्र के रूप में उपस्थित पांचों विश्वदेव मनुष्य योनि से मुक्त हो गए। अतः प्रिय मित्रों, आपके जीवन में भी भक्ति करते हुए सच्चाई पर चलते हुए कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए जो आपके साथ नहीं घटित होनी चाहिए, तो समझ लीजिए कि पूर्व जन्म के किए हुए किसी संकल्प कृत्य के कारण ही यह घटना घटित होती है। इसलिए कभी भी अपना मन उदास ना करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।